सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेसेस, चैप्टर नंबर 3 ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड 11th स्टैंडर्ड. सो आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. उससे पहले मैं तुमको आपको थोड़ा सा पहले जो है इन्फॉर्म कर दूँ कि आपको अगर इस चैप्टर के सारे लेक्चर चाहिए तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और आपको लेक्चर वाइज हर वीडियोस दिख जाएगा. ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैम हम कहाँ से लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 देखें. तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको उधर एक थंबनेल दिखेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस करके, उस पर क्लिक करो और आपके पास लेक्चर नंबर वाइज वीडियोज रहेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. सो आप जब ये पढ़ोगे तो आपको ऐसे रियलाइज होगा कि मैम ये तो जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वैसा ही सब है, ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं. इम्पोर्टेंस ही मतलब ही एडवांटेजेस. यस, अगर मैं किसी चीज़ के इम्पोर्टेंसेस बताऊँ तो वो उसका एक एडवांटेज फैक्टर रहेगा. तो यस यू आर राइट, एडवांटेजेस एंड इम्पोर्टेंस में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है. आप जब पॉइंट भी पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये दोनों जो पॉइंट है सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है. अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखो, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखो, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. बट एग्जाम में अगर आपको इम्पोर्टेंस पूछा जाए तो आपको इम्पोर्टेंस के पॉइंट लिखना है, और अगर एग्जाम में आपको एडवांटेजेस पूछा जाए तो एडवांटेजेस के ही पॉइंट लिखना है, क्योंकि उधर एग्जामिनर वो पॉइंट लिस्ट लेके बैठा हुआ है. अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज लिख दोगे और इधर है लार्ज एम्प्लॉयमेंट तो वो गलत मार्क कर देगा. ठीक है, तो बी वेयर ऑफ दैट. आई नो कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू आप गलत नहीं हो, बट कुछ नहीं कर सकती इस हालातों को. चलो, तो आज हम एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि हमारे कंट्री के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वन बाय वन वो भी देख लेते हैं. तो सबसे पहले लार्ज एम्प्लॉयमेंट. हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पैमाने पे जो एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलता है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलता है, वो मिलता है SSI के थ्रू, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है, मेनली जो अनस्किल्ड रहते हैं, या जो सेमी स्किल्ड रहते हैं, जिनको जल्दी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उनको प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि उनको बहुत ही, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रहते हैं, हमने पहले पढ़ा था कि लेबर इंसेंटिव्स इंडस्ट्रीज रहते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स चाहिए होते हैं, चाहे वो एडुकेटेड लेबर हो या अनएडुकेटेड लेबर्स हो, लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट तो लगता ही लगता है, लोगों की ज़रूरत तो पड़ता ही पड़ता है. इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक एडवांटेज है कि उनको लार्ज एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है, और प्लस इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में, तो ये एक बेनिफिट अगर हम लें तो हमारी कंट्री का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है. इंडिया इज़ अ लेबर एबेंडेंट कंट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव अ पोटेंशियल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑन अ मास स्केल. ठीक है, दे आर द लेबर इंसेंटिव, दे प्रोवाइड मोर लेबर देन एनी अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नाउ इन्होंने इधर एक लाइन बोला है जो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना चाहती हूँ. तो देखो, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब हमारे किस किस चीज़ों के वजह से प्रोडक्शन होता है. तो सबसे पहले तो आता है लैंड, जो आपको कभी भी प्रोडक्शन के लिए लगता ही लगता है. फिर आता है कैपिटल, मतलब पैसा, पैसा तो लगता ही आपको प्रोडक्शन करने के लिए. देन आता है लैंड लेबर कैपिटल, एंड फोर्थ वन जो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है वो है एंटरप्रेन्योर. तो अगर आप देखोगे इन सब में से जो सबसे ज़्यादा इजिली अवेलेबल है हमारी कंट्री में, सबसे ज़्यादा इजिली अवेलेबल लैंड कैपिटल एंड लेबर एंड एंटरप्रेन्योर. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इजी हमारे कंट्री में आप लेबर ले सकते हो. ठीक है, बाकी सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो लैंड भी कहीं ना कहीं आजकल महंगा हो गया है, ज़मीन बहुत, उनके भाव बहुत बढ़ गए हैं. ठीक है, कैपिटल फंड्स का तो हर वक्त प्रॉब्लम होता है, हर घर में फंड्स का प्रॉब्लम है, पैसे की दिक्कत है, किल्लत है, जो भी बोलो, तो हर घर में है. और ऐसे ही SSI यूनिट जो ओपन करना चाहते हैं उनके पास भी उसका कमी रहेगा.
एंड एंटरप्रेन्योर. सो उनके एंटरप्रेन्योर मतलब उनके पास ज्यादा स्किल रहता है नहीं रहता है, ये भी एक कंफ्यूज स्टेट है, ठीक है. लेकिन लेबर जो है वो आपको बहुत इजीली अवेलेबल होता है. आप बिजनेस स्टार्ट करो तो आपको तुरंत लेबर मिल जाएंगे, क्योंकि बैठे हुए लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं. तो इस पॉइंट का मतलब यही चीज है. तो बहुत लोग जो है समझाते नहीं है इस पॉइंट को, बट मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है. नाउ नेक्स्ट, देयर जेस्टेशन पीरियड इज लो एंड कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. नाउ एक और वर्ड यूज किया है उन्होंने, जेस्टेशन पीरियड इज लो. नाउ देखो, जेस्टेशन पीरियड मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब जब हम उसको लाते हैं और वो उसका यूज में आना, उसको मैं जेस्टेशन पीरियड बोलती हूँ, ठीक है. जैसे कि अगर मैंने एक मैंगो का पेड़ कल्टीवेट करना चाहा, तो उसका जेस्टेशन पीरियड अप्रॉक्स 3 से 5 साल तक होगा. कोई कोई आम चलो 2 साल में भी आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मल जो मैं अगर आम का पेड़ लगाना चाहूँ तो उसका जो मेरे को वो फ्रूट्स देगा उसका जो पीरियड रहेगा वो 5 साल रहेगा. तो उसी चीज़ को जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है. तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं ना, उनका यूजली जो जेस्टेशन पीरियड रहता है वो लो रहता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा तामझाम नहीं लगता, उसमें लो कैपिटल लगता है, कम लैंड की जगह में भी हो जाता है. कोई भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, आप और मैं कोई भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. ज़्यादा मैनेजेरियल स्किल, ज़्यादा स्किलफुल, ज़्यादा स्किल की रिक्वायर्ड नहीं रहती है. तो यही चीज़ है कि इनका जो जेस्टेशन पीरियड है, मतलब कि जब वो सेटअप होता है और जब वो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे, तो ये बहुत कम टाइम रहता है. मींस इनफैक्ट 2-3 दिन में आज आप स्टार्ट करना चाहो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रजिस्ट्रेशन करवाओ आप, कल जाके आप चालू कर सकते हो अपना स्मॉल स्केल बिजनेस. तो इसके वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा जल्दी मिलता है लोगों को इस ऐसी बिजनेसेस में. आई थिंक सो ये समझा है मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया. तो अगर नहीं समझाया है तो फिर से वीडियो को देखो, रिप्ले पे देखो, और तब भी नहीं समझा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो. नाउ सेकंड इज लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट. अभी मैंने डिस्कस किया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में मेनली जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, वो बहुत कम होता है. जब मैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री का सोचती हूँ तो उसमें करोड़ों लाखों रुपए लगते हैं, बट इधर ऐसा नहीं है. इधर आपको थोड़े पैसों में आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो. इन अ लिमिटेड कैपिटल यू कैन स्टार्ट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. SSI रिक्वायर लेस कैपिटल एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री. SSI कैन स्टार्ट एंड रन बाय अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर विद लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज. ओके, नाउ थर्ड वन, यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्स. तो हमने ये इंपॉर्टेंस में भी पढ़ा था कि जो ये रिसोर्सेज यूज करते हैं, ठीक है, वो बहुत ही आसपास के रिसोर्सेज यूज करते हैं. ये ज़्यादा इम्पोर्टेड गुड्स यूज नहीं करते एज अ रॉ मटेरियल. ये कल्टीवेट करते, इधर ये फार्मर से गुड्स लेते हैं, इधर ये लोकल रिसोर्सेज यूज करके, लोकल लेबर्स यूज करके अपना जो गुड्स है वो प्रोड्यूस करते हैं. तो यही फायदा है अपनी कंट्री के लिए भी कि आप कम से कम इम्पोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, ठीक है, प्रोडक्शन करके. SSI make use of local resources which are available in greater extent. Small amount of saving which normally remain idle are now channelized. This will increase capital formation and investment in the economy. तो इसका मतलब क्या है, ये small amount of saving which normalize remain idle are now channelized. मतलब कि बहुत लोग जो है अपने सेविंग जो है वो संभाल के रखते हैं, बट आजकल आपके पास ऑप्शन है कि आप उस सेविंग को यूज करके आप अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो. जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई भी आजकल ग्रोसरी शॉप ओपन कर रहा है, कोई भी अपना ब्यूटी पार्लर ओपन कर रहा है, कोई भी छोटा शॉप ओपन कर रहा है. किस चीज़ के वजह से? क्योंकि स्मॉल सेविंग से, स्मॉल फंड से आप स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. तो आजकल ऐसा नहीं है, बिजनेस करना है तो आपको लाखों करोड़ की ही जरूरत है. तो इससे क्या होता है, जो वो सेविंग है एक प्रॉपर चैनलाइज हो जाता है, प्रॉपर उसका फ्लो होता है इकोनॉमी में, जिससे कि बेनिफिट होता है इकोनॉमी को. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट इज इंक्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट. तो देखो, जैसे हमने पढ़ा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में आती हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके इकोनॉमी को इंक्रीज करती है. तो इससे क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज के आउटपुट है वो इंक्रीज होती हैं, प्लस मार्केट में जो कंपटीशन है वो भी बढ़ता है. सो बहुत यूज होता है इसके वजह से. इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रो होने के वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, GDP बढ़ता है, सब ओवरऑल इकोनॉमी डेवलपमेंट होता है. तो यही बोल रहे हैं इस पॉइंट में.
SSI प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड एज वेल एज इंडस्ट्रियल कॉम्पोनेंट. तो इधर ये समझाना आपको जरूरी है कि वट डू यू मीन बाई कंज्यूमर गुड एंड इंडस्ट्रियल कॉम्पोनेंट. तो कंज्यूमर गुड वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करते हैं, जैसे कि पेन ले लो, जैसे कि पेंसिल ले लो, ठीक है, फिर आप टूथपेस्ट, ये सब जो होते हैं ये कंज्यूमर गुड होते हैं कि जब आपको इंडस्ट्री से आते हैं आप उसको यूज कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, राइट. लेकिन इंडस्ट्रियल जो इधर इंडस्ट्रियल कंपोनेंट है वो क्या है, जिसको मैं बोलती हूँ कैपिटल गुड्स भी मैं उनको बोलती हूँ. तो ये क्या है मैम, ये ऐसे गुड्स होते हैं जो दूसरे गुड्स बनाने में हेल्प होते हैं, वो चाहे दूसरे गुड कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं, वो चाहे दूसरे गुड कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं. जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी एक ऐसा गुड्स है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दूसरे गुड्स को बनाने में हेल्प होता है, राइट और रॉन्ग. जैसे कि मशीनरीज, ये भी एक ऐसा गुड है, ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जो दूसरे गुड्स बनाने में हमको हेल्प होती है, तो उसको मैं कैपिटल गुड्स बोलती हूँ और ऐसे गुड्स को मैं कंज्यूमर गुड्स बोलती हूँ. ये ध्यान में रखना कंसेप्ट है, इसमें आगे आपको पूछे जा सकते हैं कॉमर्स के फील्ड में. द गुड्स आर चीपर एंड सेटिस्फाई द नीड ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय द SSI फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ द कंट्री. सो मेनली जो ये इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करती है, जो वो आउटपुट देती है, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जो इनका आउटपुट होता है जनरली लो होता है एज कंपेयर्ड टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री. तो इससे क्या होता है, जो पुअर लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो अफोर्ड कर पाते हैं ऐसे रीजनेबल गुड्स को, जो लो प्राइस प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है. सो इससे ये भी हेल्प होता है. नाउ फिफ्थ पॉइंट इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, तो कॉन्ट्रीब्यूट टू एक्सपोर्ट. कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट मतलब कि अगर ज़्यादा इंडस्ट्री आउटपुट प्रोड्यूस करेंगी, ज़्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट अगर प्रोड्यूस होंगी, तो अगर इंडिया का जो है वो उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया, इंडिया का जो डिमांड है वो अगर सेटिस्फाई हो चुका है, तो दे विल ट्राई कि ये जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है वो आउटसाइड इंडिया भी डिमांड हो रही है. तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये बहुत आजकल सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि जो बाहर के देशों में है सामान पहुंचाने का, बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करने का. तो देखो लिखा भी हुआ है, नियरली 40% ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय SSI. मतलब 100% में से 40% जो हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट हो रहा है वो किसके बदौलत हो रहा है, वो SSI यूनिट्स के वजह से हो रहा है. प्रोडक्ट सच एज होजरी, निटवेयर. होजरी मतलब वो जो आपने वुलन क्लोथ का सॉक्स वगैरह देखा होगा, निटवेयर भी उसी उसी कैटेगरी में कुछ आता है. जर्म्स एंड ज्वेलरी, सोना, जो सोना होता है या आप बोल सकते हो सिल्वर गोल्ड, ये सब होता है उसमें भी. हैंडीक्राफ्ट, कोयर प्रोडक्ट, ये सब मैंने डिस्कस कर रखा है. वुलन गारमेंट, प्रोसेस फूड, केमिकल एंड अलाइड प्रोडक्ट, ये सब बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे एक्सपोर्ट हुए जा रहे हैं आउटसाइड कंट्री में, क्योंकि आउटसाइड कंट्री में डिमांड तो है बट उसका सप्लाई नहीं है. तो ये सप्लाई जो है कहाँ से फुलफिल किया जा रहा है, इंडिया से फुलफिल किया जा रहा है. बस इसमें नोट करने वाली, अलाइड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो इन सब के साथ बनाए जाते हैं, कहीं ना कहीं इन सब के साथ बनाए जाते हैं, बाय प्रोडक्ट यू कैन से, ठीक है. तो वो अलाइड प्रोडक्ट होते हैं, कंफ्यूज मत होना. अ लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग गुड कॉन्ट्रीब्यूट सब्सटैंशली इन इंडियाज एक्सपोर्ट. इंजीनियरिंग गुड्स मतलब जैसे कि सॉफ्टवेयर बनाना, ये सब गुड्स हो गए. ऑल्सो अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय SSI आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट बाय लार्ज स्केल इंडस्ट्री विच आर एक्सपोर्टेड. सो हमने एक इम्पोर्टेंस में एक पॉइंट पढ़ा था, सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री. तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती हैं, तो इनका जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है वो SSI यूनिट से आता है. SSI यूनिट्स का रॉ मटेरियल यूज करके, सेमी फिनिश गुड यूज करके, वो फिनिश गुड प्रोड्यूस करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री और वो एक्सपोर्ट किया जाता है. तो कहीं ना कहीं इसमें जो मेन हाथ है, मेन जो रोल प्ले कर रहा है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्ले कर रहा है. तो वही बोल रहे हैं उस पॉइंट में, इट कॉन्ट्रीब्यूट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एक्सपोर्ट एंड अर्न वैल्यूएबल फॉरन एक्सचेंज. ठीक है, तो ये हेल्प कर रहे हैं हमको, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको क्या इन रिटर्न मिलता है, हमको
करेंसी इन रिटर्न मिलता है, फॉरेन करेंसी, जो कभी भी हमारे इंडिया के लिए जो है बेनिफिट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको महंगी करेंसी मिलती है, जैसे यूएस डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, येन हो गया, ये सब हमको महंगी करेंसी जो मिलती है उससे हमारी कंट्री का इकोनॉमी बढ़ता है। ओके, नाउ सिक्स पॉइंट क्या बोल रहा है, सिक्स पॉइंट देखो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन रिलेट इट विद द रीजनल बैलेंस हियर, ठीक है, जो हमने इम्पोर्टेंस में पढ़ा था। तो हमने उधर क्या पढ़ा था कि पहले क्या होता था, सिर्फ अर्बन एरिया में इम्प्लॉयमेंट हो पाता था, सिर्फ कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होती हुआ करती थी, जैसे MIDC हो गया, MIDC के आप आसपास एरिया देखोगे तो उधर बहुत डेवलपमेंट होता है, ठीक है, लेकिन उनका क्या जो रूरल एरिया में है, तो ये सब पहले पॉसिबल नहीं हो पाता था। लेकिन जैसे SSI यूनिट्स आए, जैसे SSI यूनिट रूरल एरिया में सेटअप हुए, वो लोकल रिसोर्सेज यूज करने लग गए, ज़्यादा से ज़्यादा और यूनिट्स आए, इससे क्या हो गया कि जो इनकम आया, ठीक है, तो अब लेबर्स के पास भी उनकी सैलरी है उनको खर्च करने के लिए, उनके पास वेजेस है खर्च करने के लिए। ऐसा नहीं सिर्फ शहरों में ही इम्प्लॉयमेंट है, रूरल एरिया में नहीं है। तो आजकल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ इनकम। लार्ज स्केल इंडस्ट्री लीड टू इनइक्वालिटीज। तो देखो बोला हुआ है कि जितना लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगा उतना इनइक्वालिटी होगा, क्योंकि रीजनल बैलेंस नहीं होगा और माइग्रेशन बढ़ जाएगा। इसके वजह से जो शहरों का इनकम है वो तो बढ़ता रहेगा, लेकिन जो रूरल एरिया का, जो गांव खेड़े का इनकम है वो घटता रहेगा। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड वेल्थ मोर इक्विटेबली। दिस इज बिकॉज इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मोर नंबर ऑफ वर्कर एज इट इज अ लेबर इंसेंटिव। दिस रिजल्ट इन बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है इकोनॉमिक को भी अच्छा करती है, सोशल वेलफेयर, जो गरीबों को हेल्प होनी चाहिए वो भी प्रोवाइड करती है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज अभी तक नहीं कर पा रही हैं। सिक्स पॉइंट क्लियर है? अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको डाउट है और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। नाउ सेवेंथ पॉइंट इज अबाउट फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज बोल रहा है कि जैसे हमने इस पॉइंट में देखा कि 40% नियरली 40% जो अपना एक्सपोर्ट है वो SSI यूनिट से जाता है। तो अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट हो तो वैसे ज़्यादा हम फॉरेन करेंसी कर पाएंगे, कम इम्पोर्ट। ये देखो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं क्योंकि इनके पास इंडस्ट्रियल आउटपुट ज़्यादा रहता है, और कम इम्पोर्ट करती हैं क्योंकि ये लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करके वो प्रोडक्ट बना रहे। तो कभी भी ये जो रेशो है ना, बेनिफिट होता है इकोनॉमी के लिए, ज़्यादा एक्सपोर्ट कम इम्पोर्ट, क्योंकि ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारी कंट्री से होगा तो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री में होगा, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री में होगा तो मैंने आपको बोल दिया है क्या होगा हमारी कंट्री में, GDP इंक्रीज होगा। कैसे होगा, मैंने ये बहुत 3 लेक्चर में बोल दिया, आपको ये पता होगा अभी, ठीक है। तो बार बार नहीं, बार बार उतना ही टाइम जाएगा आपका और मेरा, इसीलिए आप वो लेक्चर्स को देखो तो आपको समझ में आएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर द करेंटी कंट्री बाय एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट टू डिफरेंट कंट्री फॉर ऑफ द वर्ल्ड। एट द सेम टाइम देयर इम्पोर्ट आर वेरी लिटल। एग्जाम्पल, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन तिरुपुर कॉन्ट्रीब्यूट टू सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एंड अर्न वैल्यूएबल फॉरन एक्सचेंज फॉर द करेंसी। तो कम इम्पोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं ये इंडिया, जो SSI यूनिट है इंडिया में, तो ये कभी भी बहुत अच्छा माना गया है। और आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है कि एक तिरुपुर करके स्टेट है, सिटी है, जहाँ पे जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, वो बहुत ज़्यादा है और वो एक्सपोर्ट करती हैं वो टेक्सटाइल आउट ऑफ इंडिया। तो इससे हम बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर पाते हैं, जो हमारी कंट्री के लिए बहुत बेनिफिट होता है। तो एट पॉइंट आप रिलेट कर पाओगे इम्पोर्टेंस के एक और पॉइंट से, दैट इज डेवलपिंग न्यू एंटरप्रेन्योर। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, आप वो सेम इधर भी वही चीज़ रिपीट होगी, अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। पहले क्या होता था, जिनके पास पैसा है, जो रिच पीपल हैं, जो बड़े लोगों के बच्चे हैं, वही बिजनेस कर पाते थे, क्योंकि जो पुअर लोगों के, जो गरीब घर से आते थे, उनके पास ज़्यादा फंड नहीं रहता था, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हो पाती थी। मतलब आइडिया तो होता था, टैलेंट तो होता था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ फंड प्रॉब्लम वो खुद का स्टार्टअप ओपन, खुद का बिजनेस नहीं कर पाते थे।
बट ये गवर्नमेंट ने रियलाइज किया आजकल के सेनारियों में और उनको इनिशिएटिव प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। और आज का स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हर कोई ओपन कर सकता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योर विद लिमिटेड कैपिटल, SSI रिक्वायर लेस कैपिटल, लोअर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड मशीन एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। देयरफॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर कैन स्टार्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इजिली। SSI इन जापान विद विच वॉज डेवास्टेटेड बाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिकम मेजर इकोनॉमिक पावर बिकॉज ऑफ मेनी स्मॉल एंटरप्रेन्योर हु कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द नेशन डेवलपमेंट। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बहुत मोटिवेटेड वाला एग्जाम्पल दिया, मोटिवेट करने वाला, कि SSI जब एक जापान में बहुत बड़ा वॉर आ गया था, वॉर हुआ था, उसके वजह से पूरी इकोनॉमी डाउन हो गई थी जापान की, बट बिकॉज गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को पुश किया, तो इसके वजह से फिर से इकोनॉमी जो है बैक टू ट्रैक आ गई। और इनफैक्ट बैक टू ट्रैक तो भूल ही जाओ, और 3 टाइम्स 10 टाइम्स उन्होंने अच्छा किया जस्ट बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देके। तो जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एवरग्रीन आइडिया है, किसी भी स्मॉल यू नो जो जिसके पास फंड नहीं है वो स्टार्ट कर सकता है। नाउ नाइन्थ वन इज कॉस्ट एफिशिएंसी। सो कॉस्ट एफिशिएंसी कैसे आता है? कॉस्ट एफिशिएंसी, जब भी कॉस्ट एफिशिएंसी की बात आए तो आप ये वर्ड याद रखना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को, तो मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम वेस्टेज। ठीक है, तो ये है। तो कॉस्ट एफिशिएंसी कैसे आता है इनमें? क्योंकि इनके पास जो गुड्स रहते हैं वो लोकल लोकली अवेल करते हैं, जैसे लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, वेस्टेज कम करते हैं ये। जिनके पास फंड की प्रॉब्लम होता है वो ऑटोमेटिकली वेस्टेज कम करता है, जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ती है। स्मॉल स्केल यूनिट कैन अडॉप्ट माइक्रो प्रोडक्शन मेथड विच ऑफर बेटर क्वालिटी एंड मोर वेराइटी एट अ लोअर कॉस्ट। दे आर द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एज टू अ लार्ज स्केल बिकॉज देयर एक्सपेंस आर लोअर। सो इनको इनको जो एक्सपेंसिस लगते हैं वो कम होते हैं, लेबर चार्जेस बोलो आप, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बोलो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर से काम किया जाता है, कम से कम मशीन से काम किया जाता है, खर्चा कम लगता है क्योंकि ये लोकल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, तो कॉस्ट एफिशिएंसी आता है, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बनता है। ओके, नाउ रिड्यूस माइग्रेशन। रिड्यूस माइग्रेशन तो आई थिंक सो यार आपने ऊपर पढ़ा ही था, कौन सा पॉइंट नंबर, आप लोग मुझे बोलो कौन सा पॉइंट नंबर आपने पढ़ा था रिड्यूस माइग्रेशन में। आप अगर देख सकते हो ये वाला पॉइंट आप रेफर कर सकते हो, सेम टू सेम है, कुछ नहीं है। ठीक है, उसमें तो उसके वजह से क्या है, जो अपने रूरल एरिया के जो लोग हैं वो इधर से उधर माइग्रेट, मतलब रूरल एरिया से अर्बन एरिया माइग्रेट नहीं होता है, क्योंकि उनको नौकरी रूरल एरिया में ही मिल जाता है। इसके वजह से वो जो है एम्प्लॉयमेंट, जो लेबर्स लोग होते हैं वो माइग्रेट नहीं होते हैं। 11th इज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। नाउ लास्ट वन, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन मतलब कि जैसे मार्केट में डिमांड है, जिस प्रोडक्ट में मार्केट में डिमांड है उस प्रोडक्ट में बहुत जल्दी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को समझता है और वो जो है अपना प्रोडक्शन उस प्रोडक्ट में करने लग जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो उनको शिफ्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, तो जैसे ही उनको पता चलता है कि अच्छा मार्केट में अभी ये डिमांड है तो हम उस प्रकार के गुड्स बनाना स्टार्ट करते हैं, वैसी सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया रहता है कि यार हमको अभी सोचना पड़ेगा कि हम शिफ्ट हों, फ्लेक्सिबल हों, फ्लेक्सिबिलिटी लाए कि नहीं लाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, डिमांड के साथ वो अपना प्रोडक्शन भी चेंज कर पाते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर मोर फ्लेक्सिबल, दे अडॉप्ट देमसेल्फ टू चेंजेस मार्केट रिक्वायरमेंट वेरी फास्ट। उनको जैसे ही उनका जो डिमांड है वो चेंज होता है मार्केट में, वो अपना प्रोडक्शन चेंज कर देते हैं मार्केट के हिसाब से, क्योंकि उनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ हुआ है पहले के प्रोडक्शन।
ओके नाउ आई थिंक सो इतना क्लियर है, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. अगर इन 11 पॉइंट में अगर आपको डाउट है सो डू राइट टू मी थ्रू कमेंट सेक्शन. या तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जो बटन है वो क्लिक कर दीजिए, क्योंकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और किसी को मिले ना मिले हमको तो मोटिवेशन मिलेगा आपके थ्रू, तो कभी भी बेटर लगता है हमको वो. सो टिल देन आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़रूर मिलेंगे. टिल देन बाय बाय.